सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए यामाहा ब्लू स्क्वायर राजर हाट कोलकाता और आज यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं एरोक्स पे। तो मेरे को एक कमेंट आया था कि भैया एरोक्स का रिव्यू लाओ, तो एरोक्स का वीडियो आज लेकर आ रहे हैं। और ये वाली जो मॉडल, ये 2023 एडिशन है और ये वाला जो कलर है ना भाई, ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है भाई। इस पर आपको E20 OBD2 ब्लूटूथ ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो आज हम लोग कंप्लीट इस वाली स्कूटर का रिव्यू करेंगे। और आप लोगों को जैसे पता होगा यार, वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर है और इंडियाज की मोस्ट अफोर्डेबल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर है विद लिक्विड कूल इंजन। और इसके इंजन वगैरह को हम लोग जब डिफाइन करेंगे तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। बाकी स्कूटर है यार, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्कूटर है यार, नो डाउट। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था इस पर, आप समझ जाओ R15 का मैं जब मतलब हमने जब फर्स्ट टाइम इसे देखा था, हम लोगों ने बोला था कि R15 का इस पर टायर वगैरह लगा हुआ है, R15 का इंजन वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी स्कूटर है ये वाली मैक्सी स्कूटर। और इंडिया में यार जब से एरोक्स आई है तब तो यार तहलका मच गया स्कूटर्स के रिगार्डिंग। और ये वाली मॉडल का आज कंप्लीट रिव्यू हम लोग देंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो इसका रिव्यू अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट हेड की बात करें तो हेड में जस्ट एज अ डिज़ाइन दिया गया है, छोटा सा वाइजर है, बाकी ब्लू कोर वगैरह का मार्क यहाँ पे। और जो कंप्लीट लाइट सेटअप है ना, इंक्लूडिंग द इंडिकेटर्स, वो आपको नीचे दिए गए ये पोर्शन पे। तो चलो एक बार बाइक को स्टार्ट करके आपको इंडिकेटर्स वगैरह दिखाई देते हैं। जैसा देखो कंप्लीट LED आपको लाइट्स वगैरह दिया गया, कंप्लीट LED DRL वगैरह आप देख सकते हो। और जो इंडिकेटर्स है आपको बॉडी इंटीग्रेटेड नीचे में दिया गया, तो ये सिस्टम भाई कोई स्कूटर में आपको नहीं दिखेगा। बॉडी इंटीग्रेटेड नीचे में आपको इंडिकेटर्स वगैरह दिए गए हैं दोनों। और हज़ार्ड इंडिकेटर भी इसमें है, हज़ार्ड भी इसमें न्यू लाया गया, तो आपको हज़ार्ड ही ऑन करके दिखाते हैं, बेटर रहेगा। ये सिस्टम आप देखो कंप्लीट, जो चारों इंडिकेटर साथ में ब्लिंक करेंगे तो बहुत ही खूब लग रही है यार, नो डाउट। और ये वाला जो फेस दिख रहा है ना यहाँ से, ये कंप्लीट DRLs हो गया, ये LED लाइट हो गए। तो स्कूटर जब स्टार्ट करेंगे तब आपको ये लाइट्स वगैरह भी दिखेगी। और नीचे से अंडरग्राउंड मतलब नीचे पोर्शन पे बॉडी इंटीग्रेटेड आपको जो इंडिकेटर दिया है ना, तो बॉडी से बाहर नहीं निकले हुए जो इंडिकेटर आते हैं, तो ये वाली बहुत ही खूबसूरत लग रही है, नो डाउट। और ये जो लुक आ रहा है यार, बहुत ही समझ जो बल्की लुक आ रहा है। और इसीलिए भाई इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल ओरिएंटेड आप समझो लिक्विड कूल ये वाली स्कूटर है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छी खासी पिकअप भी है, और इतना नाम भी इसी कारण है एरोक्स का, क्योंकि यार गज़ब की मशीन है। और बाकी हम लोग इसके फ्रंट सस्पेंशन वगैरह की बात करें तो टेलीस्कोपिक फोक्स हमें फ्रंट में मिलता है 26mm का। और जो स्कूटर है ये वाली, वो सिंगल चैनल EBS के साथ आती है। तो फ्रंट के कैलिपर्स वगैरह आप देख सकते हो, 230mm का फ्रंट डिस्क है एंड 130mm का रेयर डायमीटर हो गया आपके ड्रम ब्रेक का। तो फ्रंट में आपको डिस्क है, रेयर में आपको ड्रम है। बाकी आपको कंप्लीट एलॉयज वगैरह देखोगे तो गोल्डन कलर में एलॉय है, और काफ़ी जच रहा है इस वाले कलर में यार, सिल्वर एंड गोल्ड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये वाली कलर न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, 110/80 का टायर है, 14 इंचेस का एलॉय व्हील है, C8 का टायर। और आपको इस साइड से भी दिखाते हैं, कंप्लीट एलॉय आपके इधर से एक्सपोज है। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, ये वाला गोल्डन कलर। और बाकी मडगार्ड वगैरह भी सिल्वर में। अब आते हैं इसके मीटर पे, मीटर बहुत ही एडवांस लगा मेरे को यार। और मीटर से पहले ये पोर्शन आप देखो बीच में यार, अगर ये स्कूटर सिलेंडर वगैरह ले जाने के लिए ले रहे हो तब तो पीछे रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि आगे में बिल्कुल जगह नहीं है। आगे में जस्ट यहाँ पर बीच में एक डिक्की टाइप का दिया हुआ है जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रखो। एंड यार बैठने में ही फील आता है कुछ हैवी मशीन का, हैवी स्कूटर का। तो यहाँ से स्टार्ट करो, मीटर देखो वो यहाँ पे लॉक वगैरह में फ्यूल एंड सीट का जो बटन दिया गया है, तो फ्यूल लीड खोलने के लिए एंड सीट खोलने के लिए वो दिया। बाकी इसका मीटर जैसा ऑन करेंगे, बहुत बड़ा डिस्प्ले में हज़ार्ड इंडिकेटर्स तो हमें दे दिए गए, जैसे ये वाला बटन हज़ार्ड का हो गया जिससे चारों इंडिकेटर्स ब्लिंक करेंगे। साथ साथ ये वाला आपका ऑटो ऑफ ऑटो ऑन फीचर, तो ट्रैफिक वगैरह में आपकी स्कूटर अगर ऑन है तो वो 10-15 सेकंड के बाद ट्रैफिक सेंस करके खुद ऑफ हो जाएगी एंड थ्रॉटल लेने पे ऑन होगी। तो वही फीचर रहता है ऑटो ऑफ ऑटो ऑन का, इग्निशन का। और बाकी ये पास लाइट हो गया, हाई विन लो विन, राइट लेफ्ट इंडिकेटर ऑन हो गया। और जो मेनू का स्क्रॉल करने का बटन है ना, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में। तो यहाँ से आप ट्रैक्शन वगैरह, Trip 1, Trip 2, बैटरी, जैसे देखो ट्रिप वी बेल्ट, उसके बाद ये ब्राइटनेस हो गया, उसके बाद ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो आप, ऑडो हो गया। तो पहले मैं आपको एक बार ब्राइटनेस दिखाता हूँ, तो बैटरी स्टेटस हो गया, वी बेल्ट वगैरह ब्राइटनेस का, जैसे देखो ये ब्लिंक करने लगा इसको लॉन्ग प्रेस करने पे, एंड उसके बाद ब्राइटनेस कम एंड ज़्यादा करो,
फिर लॉन्ग प्रेस करके छोड़ोगे तो ये वो आ जाएगा वापस, फिर ट्रैक्शन में आएगा, ट्रैक्शन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो इससे आप स्क्रॉल कर सकते हो भाई, ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये इसमें फीचर दिया गया है भाई। और बाकी आपको ब्लूटूथ कनेक्ट वगैरह मिल जाता है, यामाहा वाई कनेक्ट, तो यामाहा वाई कनेक्ट का जितना भी फीचर है आप इसमें आराम से स्क्रॉल कर सकते हो। बाकी मीटर में जो राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स है ना वो आपको इस पोर्शन पर दिए गए, जैसे देखो कंप्लीट यहाँ पे यहाँ पे। और बाकी आपको EBS का यहाँ पे एक लाइट दे रहा है क्योंकि सिंगल चैनल EBS है, और TCS वगैरह का लाइट जो ऑटो ऑफ ऑटो ऑन का लाइट है ना वो को यहाँ पे नीचे जो सेकेंडरी एक डिस्प्ले दिया है उसमें देगा। बाकी तो ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन ऑफ करके चला सकते हो, हाई बीम वगैरह। स्कूटर को एक बार स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपको प्रॉपर लाइट दिखाएंगे किस टाइप का इसका लाइट है यार, क्योंकि इसके लाइट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और स्मार्टफोन कनेक्ट जैसा आपको पता है वाई कनेक्ट से आप कर सकते हो, तो आपको जितने फीचर्स है वो आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो एक बार चलो स्कूटर को स्टार्ट करते हैं भाई। पूरा साइलेंटली स्टार्ट हुई है यार, पूरा साइलेंटली स्टार्ट हुई है। जैसे देखो ये मैंने ब्रेक दबाया, मीटर स्टार्ट हुआ एंड स्कूटर स्टार्ट हो गई। बहुत साइलेंट स्टार्ट है भाई। और बाकी फ्रंट हेडलैम्प देखो ज़रा यार, कंप्लीट गज़ब का लुक आ रहा है, नो डाउट यार गज़ब का। और रेयर का भी आपको दिखाते हैं, ऐसा रेयर का टेल देखो, बहुत ही तगड़ी मशीन है यार। लगी नहीं रहा 155 सीसी का स्कूटर है, 400 450 का स्कूटर, सीसी का जो स्कूटर रहता है ना उस टाइप का फील दिला रहा है। तो चलो ये तो हो गया कंप्लीट इसके एग्जॉस्ट नोट वगैरह का। एग्जॉस्ट तो लाइट है, फुल थ्रॉटल लेंगे नहीं क्योंकि स्कूटर उड़ जाएगी तो बहुत दिक्कत है भाई, समझ सकते हो। बाकी सीट वगैरह खोलने का ऑप्शन, यहाँ सीट प्रेस करो फ्यूल लिड के लिए, ये फ्यूल लिड प्रेस करो। तो E20 का मार्क वगैरह आपको प्रॉपर यहाँ दिख जाएगा, और ये वाला पोर्शन आपका फ्यूल लिड का है ऐसा देखो। तो स्कूटर ये भी मैं बोलूँगा ये वाला पहला स्कूटर है जिसमें फ्यूल आगे से भराता है भाई। और E20 का मार्क वगैरह आप यहाँ देख सकते हो। तो E20 OBD2 सेटअप के साथ तो आती ही है। सीट हम लोगों ने खोला है, तो सीट में भी अच्छा खासा जगह जिसमें आप लोग अपना हेलमेट वगैरह रख सकते हो जैसे यहाँ पे देख रहे हो। और बाकी यहाँ पे यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट वगैरह का कंप्लीट एक प्रिंट देखोगे। तो चलो सीट करते हैं बंद, बाकी काफ़ी कंफर्टेबल सीट है नो डाउट। राइडर एंड पिलियन के लिए अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। नीचे आते तो VVA है, जैसा मैंने बताया R15 का इंजन है, तो VVA वेरिएबल वॉक ऑक्शन वगैरह एयरऑक्स वगैरह कंप्लीट ब्रांडिंग आपको दिख जाएगा। और इसके फुटपेक्स जो है वो यार बॉडी से अंदर आ जाते हैं, जैसे आप बाहर करो अंदर करो ये बॉडी कंप्लीट अंदर आ जाते हैं भाई। और 155 सीसी का इंजन है, लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSC 4-वॉल, 15 PS का पावर एंड 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और 5.5 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी मिलता है। बाकी 48 अराउंड कंपनी क्लेम करती है इसका माइलेज, तो 48 के लगभग आपको माइलेज मिल जाएगा। थोड़ा बहुत डायमेंशन की बात करें तो 790 mm का सैडल हाइट, 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड 126 kg की बाइक है। बाकी फ्रंट के साइड पैनल देखोगे तो यहाँ पे लिक्विड कूल, जैसा मैंने बताया आपको फर्स्ट लिक्विड कूल सेगमेंट मिल रहा है स्कूटी का, तो लिक्विड कूल यहाँ पे देख रहे हो आप। बाकी इस साइड में भी आपको लिक्विड कूल मिलेगा। और इसका जो सस्पेंशन है ना भाई वो सिंगल डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन है, जैसे देखो साइड टू साइड पे भी कंप्लीट ब्लैक कलर में आपको दिया गया। और ये पोर्शन कंप्लीट यामाहा वगैरह लिखा हुआ, सिंगल स्टैंड डुअल स्टैंड। और इस पोर्शन से भी देखो इस साइड में भी, मतलब डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको प्रोवाइडेड है। C8 का टायर 140/70 का और 14 इंचेस का अलॉय व्हील है। और रियर में जैसे हमने बताया ड्रम ब्रेक है, तो जस्ट एक ABS रिंग आपको मिलेगा, है तो सिंगल चैनल ABS, ये जस्ट सेंस करेगा। और कंप्लीट गोल्ड में आपको अलॉय व्हील। तो ये था भाई इसका कंप्लीट वॉक अराउंड वगैरह। और मेरे को लगता है जो कमेंट कर रहे थे हमारे भाई, तो वो बताना यार कैसा लगा आपको। और आप लोग बाकी सब लोग भी बताना कि आपको ये वाली स्कूटर कैसी लगी। ये वाला न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है और अच्छे खासे चेंजेस के साथ, E20 OBD2 हजार्ड ट्रैक्शन कंट्रोल और न्यू कलर, तो अच्छे खासा अपडेट आया है भाई इस बार यामाहा एरोक्स में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में तब तक बताओ कि आप लोग को क्या लगा, कैसा लगा ये वाला स्कूटर। तब तक हम लोग इसका प्राइस पूछ लेते हैं, क्या प्राइस पड़ रहा है इसका। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,76,000। और आपको स्कूटर अवेलेबल है भाई यामाहा ब्लू स्क्वायर राजारहाट कोलकाता में, तो उनका डिस्क्रिप्शन वगैरह कंप्लीट आपको दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर मैं बोलूँ ये वाली स्कूटर अगर लेना चाह रहे हो तो भाई डेफिनेटली लो, क्योंकि इतना बल्कि इतना
तगड़ा दिखने वाले, इतने फीचर्स के साथ स्कूटर लेना मैं बोलूँगा बहुत ही बेहतर है। सबसे अच्छा मेरे को जो लगा इसके फ्रंट के लाइट्स एंड जो इंटीग्रेटेड नीचे में आपको इंडिकेटर्स वगैरह दिए गए हैं यार, बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही कूल है। तो चलो वीडियो हम लोग करेंगे अब एंड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, राइड हार्ड राइड सेफ स्टे सेफ, और हाँ भाई हमारे 100K करा दो। तो चलो थैंक यू।